अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम एचएचजी मोबाइल। 8GB+8GB यानी कि 16GB इसकी टोटल रैम देखने को मिलती है। 8GB+ आप एक्सटेंड लगा सकते हैं, 8 इसमें तो 16GB रैम हो जाती है। उसके अलावा मीडियाटेक G99 के इसका यहाँ पे हमें चिपसेट देखने को मिल जाती है। काफी अच्छी डिवाइस की परफॉर्मेंस है। 120Hz तक का रिफ्रेश रेट इसमें हमें देखने को मिलता है। 120Hz पे रिफ्रेश रेट पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा स्मूथनेस इसमें हमें देखने को मिलती है। TFT यानी कि LCD पैनल्स में हमें देखने को मिलता है। लाइक ये फील नहीं करवाता आपको कि आप एक TFT यानी कि LCD पैनल पे प्ले कर रहे हैं किसी भी चीज को। जैसा कि लाइक आप 10T को लगा लें, उसमें भी हमें IPS पैनल देखने को मिलता था सेम इसी की तरह। तो जैसे उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा फास्ट है, उसी तरह सेम टू सेम इसके ज्यादा परफॉर्मेंस जो है फास्ट है। आप बेजल चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे स्मूथनेस इसमें हमें देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में टाइटल एंड थंबनेल देख को आप समझ ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में जो है इस पे पबजी टेस्ट करने वाला हूँ। पबजी प्ले करके देखी जाएगी क्या ग्राफिक्स सपोर्ट करता है, कितने FPS में देखने को मिलते हैं, जायरे की परफॉर्मेंस कैसी है, प्लस बैटरी टाइमिंग कैसी है। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट के अंदर पहले मैं आपको इसकी बैटरी एक बार दिखा दूं। 82% यहाँ पे हमें इसकी बैटरी जो है वो देखने को मिलती है। पबजी को यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, पबजी प्ले होते ही आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे मेन्यू भी देखने को मिलता है, मेमोरी ये वो फलां फलां आता रहता है इसका। तो चलिए नेक्स्ट हम गेम को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गेम में कितना टाइम रहता है। टाइमर यहाँ पे मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, पर वो टाइमर आपके सामने चलता रहेगा, एक एक चीज आपको बताता रहेगा कि भाई इतने मिनट टोटल डिवाइस यूज हुई है, इतनी बैटरी इसने ड्रेन की है। तो यहाँ पे अभी पबजी फिलहाल हमारी लोडिंग पे है और प्ले हो रही है। तो जब तक प्ले होती है देखते हैं और मजीद कितना टाइम रहते हैं। यहाँ पे जो पबजी हमारी फाइनली जो है वो प्ले हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसका साउंड ऑफ कर लूँ, यार साउंड तो मैं ऑफ रखता हूँ, फिर भी अल्ट्रा का ऑप्शन इसमें हमें देखने को नहीं मिल रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी ग्राफिक वगैरह जो है उम्मीद है आपको क्लियरली नजर आ रहे होंगे। सो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको इसके ग्राफिक निकालता हूँ। स्मूथ के साथ अल्ट्रा की स्पोर्ट देखने को मिलती है, ब्राइटनेस फुल है। उसके अलावा बैलेंस के साथ अल्ट्रा की स्पोर्ट, HD के साथ हाई है, HDR का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। स्मूथ के साथ अल्ट्रा हम प्ले कर लेते हैं। उसके अलावा कंट्रोल में जाते हैं, सेंसिटिविटी आ गई, जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन का भी ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये भी काफी अच्छी चीज है, जायरो ऑलवेज का ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बेसिक सेटिंग में करता हूँ वीडियो को पोस्ट करके, और आगे गेम प्ले जो है हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक TDM मेरे हिसाब से भाई 70% जो है वो परफॉर्मेंस TDM में ही गेम की जो है वो नजर आ जाती है। आपको TDM में ही पता चल जाता है कि डिवाइस ने आगे जाके क्या करना है, किस कदर हद तक इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट आने वाली है। तो यहाँ पे अरीना का एक मैप डाउनलोड हमने कर लिया है, और यहाँ पे भाई साउंड क्वालिटी बड़ी प्यारी है। JBL के साउंड स्पीकर इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, काफी अच्छी साउंड क्वालिटी भी आपको लाइक फील करवाते हैं। तो यहाँ पे रियल ID से प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे जायरो टेस्ट भी हो जाएगा कि जायरो की परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल चीजें सारी इसमें यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा। तो यहाँ पे प्ले हो चुका है, भाई जायरो तो ठीक है यार, डिले देखने को मिलता नहीं है, बस लैगी लैगी डिस्प्ले फील होता है, बहरहाल जायरो अच्छा वर्क कर रहा है। अब बाकी परफॉर्मेंस जो है वो मैं आपके सामने अभी चेक कर लूंगा। भाई दो चार सेटिंगें रहेगी, वो तो मैंने की नहीं, लॉबी तगड़ी है तो सारी। बुलेट कनेक्टिविटी डिवाइस की बहुत प्यारी है, भाई JBL साउंड स्पीकर आपको बताता है बंदा कहाँ से आ रहा है। FPS बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं यार, बकायदा FPS वर्क कर रहे हैं, कवर में जाने के बाद भी बुलेट नहीं लगी मुझे। काफी अच्छी परफॉर्मेंस यार डिवाइस की, जायरो मेन है, जायरो जायरो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जायरो डिवाइस का बहुत प्यारा वर्क कर रहा है भाई। यहाँ पे बिगिनर के लिए ना भाई मौजूदा सूरत में 50,000 से अच्छे अच्छे डिवाइस नहीं है मेरे हिसाब से, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यार। स्टार्ट आपने देखा था हमारे एनिमीज का, और एंड आप हमारा देख लीजिए। Blue team is in the lead.
कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। चेक कर रहे हैं भाई डिवाइस को। आजा गन, चेक कर रहे हैं डिवाइस की परफॉर्मेंस भाई। अब यहाँ पे ओए होए, कहाँ से ले गया ये बंदा, नहीं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था डिवाइस यहाँ पे। अरे वो खड़ा देख रहा है, हर दफा ही हो गया यार। स्टार्ट में हमने पकड़ा था, अब फिर दोबारा से वो ऊपर गए हैं, अब हम फिर लेवल करें। निकल 20 FPS वाले, मैंने भी मरवा रहा।